हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम संख्या से संबंधित परिचय का अध्ययन कर रहे थे और संख्या से संबंधित परिचय के लिए शुरुआती दो बिंदु है, संख्या के प्रकार और दूसरा है लेख, जिनकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त की थी। आज हम संख्या से संबंधित परिचय के बिंदु नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। तो बिंदु नंबर जो 3 होता है उसमें हमें जानकारी देनी होती है वचन। संज्ञा से संबंधित पद परिचय में बिंदु नंबर 3 जो जानकारी हम देते हैं वो होता है आपका वचन। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा कि भाई जो भी पद जिसकी जानकारी आप दे रहे हो उस वो संख्या में कितने हैं। यदि वो एक है तो हम उसे कहेंगे एक वचन, यदि वो एक से अधिक है तो हम उसे कहेंगे बहुवचन। तो हमें उस शब्द की संख्या से संबंधित जानकारी आपके इस वचन में देनी पड़ती है। तो सर्वप्रथम हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे कि भाई वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है वचन कहलाता है। जैसे जैसे चौक, कोई भी एक चौक, चौक दुकान, छात्र, छात्राओं, लड़की, पुस्तकें, गंडो, घरो, छतो आदि। प्रत्येक शब्द से उसकी संख्या का बोध हो रहा है। जैसे चौक एक संख्या का बोध करा रहा है इससे एक वचन, दुकान एक ही दुकान का बोध करा रहा है, छात्र एक का बोध करा रहा है, छात्रा एक से अधिक का बोध करा रहा है, ऐसे लड़के एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, पुस्तक एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, दंडो एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, घरो एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, छतो एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। तो आज अर्थात ऐसे शब्द जो शब्द अपनी संख्या का बोध कराते हैं वो आपके वचन कहलाते हैं। अपन कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और हमारी हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एक वचन, नंबर एक होता है एक वचन, शब्द में प्रकट हो रहा है एक वचन, एक अर्थात एक वन और वचन का अर्थ संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध होता है उसे हम
एक वचन कह राजा जैसे आपकी कहते ना राम कितने का बोल रहा है मात्र सिर्फ एक था जिस कारण से राम जी शब्द अपन क्या कहेंगे ना एक वचन आपने कह दिया था विज्ञान कितना सिर्फ एक अज्ञात एक साक्षर एक मेद एक बैग एक बोर्ड एक हाँ तो मेन जो शब्द में लिख उदाहरण मित्राम विद्यालय व्यापक छात्र बोर्ड आदि ये सारे के सारे एक होने का बोध करा रहे हैं अतः हम कह सकते हैं कि का शब्द एक वचन है। नंबर दो है बहुवचन शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक बोले का बोध होता है बहुवचन कहलाता है जैसे शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक एक से अधिक करना दो या दो से अधिक कितने क्यों ना हो समस्त शब्द आपसे बहुवचन कहलाते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का मूल होगा उसे हम बहुवचन कहते हैं जैसे लड़की छात्र घर रातों दिनों महीनों लड़के छात्रों घरों खेलों रातों दिनों महीनों ये सब एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं अतः हम ये कहेंगे कि बहुवचन है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में एक वचन की तरह होता है तो वहां हमें उस शब्द के उस वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को देखना है तो क्रिया से भी हमें पता चल जाता है कि ये बहुवचन है। तो शब्द देखेंगे पहले और शब्द के साथ हम क्या देखेंगे क्रिया तो क्रिया को जब हम देखेंगे तो शब्द पता चल जाता है कि अभी बहुवचन की एक वचन है। जैसे आपने कहा था राम पढ़ता है अब यहां राम एक वचन है क्रिया भी एक वचन ही है लेकिन हमने कहा था लड़की घर जा रहे हैं तो यहाँ लड़के बहुवचन और आपकी क्रिया भी बहुवचन तो कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जिनमें शब्द को जब हम देखते हैं तो हम अनुमान नहीं लगा पाते तो एक वचन एक बहुवचन तो उसके लिए हम कितने करते हैं आपकी क्रिया को देखा गया अनुमान लगा ले तो शब्द एक वचन है या बहुवचन है। धन्यवाद।